हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ओम प्रकाश कुमार। वेलकम टू यू इन बायोलॉजी क्लास। टुडे द टॉपिक इज डबल सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट बीट। नाउ कम ऑन द बोर्ड फॉर दिस टॉपिक। नाउ व्हाट इज द डबल सर्कुलेशन? द डिफिनेशन इज a circulatory system in which the blood travel twice through the heart in one complete cycle of the body is called double circulation. Let us see this diagram. Suppose this is the structure of heart and there are four chambers in the heart: right atrium, right ventricle, left atrium and left ventricles. These are the four chambers in the heart. यह चार chambers हैं heart के। पूरे body से या organ से, body organ से deoxygenated blood comes into the right atrium through the vena cava. And जब यह atrium constrict करती है तो यह blood आ जाती है ventricles में। And ventricle pump the blood. Right ventricle pump the deoxygenated blood to the lungs, the both lungs through the pulmonary artery. Lungs में CO2 release हो जाती है and oxygen उस blood में आ जाती है. And the oxygenated blood comes from the lungs and enter into the left atrium through pulmonary vein. Pulmonary vein में वह blood आ जाती है. Same वही blood आ जा रही है. अंतर इतना ही है कि lungs में जो blood गई थी वह deoxygenated थी और जो उससे निकल के आ रही है वह oxygenated blood. तो जो blood इस heart से गई थी वही blood फिर इस heart में वह enter कर रही है lungs के बाद. फिर या लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में वह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा के थ्रू या फिर बॉडी ऑर्गन्स में आ जाता है. तो जो ब्लड्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हार्ट में गई, फिर हार्ट से फिर लंग्स, लंग्स से फिर वही ब्लड हार्ट में आ रही है या बॉडी में जाने के पहले, यानी कि दो बार सेम टाइप ऑफ ब्लड ये जो है दो बार हमारे हार्ट को सर्कुलेट कर रही है, इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन. या डबल सर्कुलेशन की जो प्रोसेस है या जिस एनिमल के हार्ट में फोर चेंबर्स हो या थ्री चेंबर्स हो उसमें डबल सर्कुलेशन होगा. जिसमें टू चेंबर्स हो उसमें डबल सर्कुलेशन नहीं होगा, उसमें सिंगल सर्कुलेशन होगा. तो आइए देखते हैं किस किस ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ चेंबर्स फोर होते हैं या टू होते हैं या थ्री होते हैं. नाउ द एनिमल्स, लिस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड हार्ट चेंबर्स. मैमल्स एंड बर्ड्स बोथ हैव द फोर चेंबर्स ऑफ द हार्ट. एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स बोथ हैव थ्री चेंबर्स इन देयर हार्ट एक्सेप्ट वन रेप्टाइल्स, दैट इज क्रोकोडाइल्स. Crocodiles have four chambers of the heart. So, mammals, birds, amphibian, reptiles and crocodiles, in sab mein double circulation hoga. But the fish have only two chambers of the heart. So, fish mein single circulation hoga, double circulation usme nahi hogi. Now the next topic is the heartbeat. One complete contraction and relaxation of heart is called heart beat. यह जो वेंट्रिकल होती है, यह वेंट्रिकल जब एक बार कंस्ट्रिक्ट करती है और रिलैक्स करती है, तो जब कंस्ट्रिक्ट करती है तो यहाँ की भाल दोनों बंद हो जाती है. जब यह रिलैक्स होती है तो यह पल्मोनरी और एओर्टा वाली भाल दोनों एक बार बंद होती है, तो उस समय साउंड सुनाई देता है लव एंड डब. तो वन कंप्लीट कंट्रेक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ आवर हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, वन हार्ट बीट. और
एक मिनट में जितनी बार या हार्ट बीट होती है उसे रेट ऑफ हार्ट बीट कहते हैं। एट रेस्टिंग इन नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन द रेट ऑफ हार्ट बीट इक्वल टू 70 से 72 टाइम्स पर मिनट, या 70 से 72 होती है एक मिनट में रेट ऑफ हार्ट बीट। एंड हार्ट बीट कैन बी मेजर्ड और लिसन बाई एन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड स्टीथोस्कोप। उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग स्टीथोस्कोप कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्लड प्रेशर। द प्रेशर एट विच ब्लड इज पम्प अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जिस प्रेशर के द्वारा हमारा हार्ट जो है यह ब्लड को हमारे बॉडी में जो है पंप करता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जैसे यह हार्ट है, हार्ट जब हार्ट की वेंट्रिकल कंस्ट्रिक करती है तो ब्लड या एओटा या आर्टरी में इंटर कर जाती है। तो जिस प्रेशर के द्वारा हमारा हार्ट ब्लड को आर्टरी में या पूरे बॉडी में जो पंप कर देता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। एंड ब्लड प्रेशर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टू फॉर्म्स, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर है मैक्सिमम वैल्यू एंड डायस्टोलिक प्रेशर है द मिनिमम वैल्यू। जब यह वेंट्रिकल कंस्ट्रिक्ट करती है तो उस समय जो मैक्सिमम प्रेशर जो ब्लड के द्वारा इस आर्टरी पे एक्सर्ट होता है दैट प्रेशर इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। और जब यह वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाती है तो हमारी आर्टरी भी जो एक्सपेंड की हुई है वह धीरे धीरे कंस्ट्रिक्ट होती है, नॉर्मल कंडीशंस में आती है। तो उस समय इस आर्टरी पर ब्लड के द्वारा बहुत कम प्रेशर, मिनिमम प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेंट्रिकल्स एंड डायस्टोलिक प्रेशर ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ आवर हार्ट। सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट मीन्स ब्लड प्रेशर कैन बी मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर इन स्फिग्मोमैनोमीटर the systolic pressure and diastolic pressure, the value of systolic and diastolic pressure equal to 120 millimeter of mercury and 80 millimeter of mercury. That means systolic pressure is 120 millimeter of Hg and diastolic pressure 80 millimeter of Hg. Now, if the blood pressure, that means systolic pressure diastolic pressure more than that value, then the BP is high, that means blood pressure is high, and high blood pressure is called the hypertension. High blood pressure यह जब किसी capillaries में हमारे body के किसी भी parts capillaries में parts के capillaries में जब कहीं भी constriction हो जाती है तो उस case में blood pressure high हो जाती है, तो उसको high blood pressure या hypertension कहते हैं। So this is all about the double circulation, rate of heartbeat and blood pressure. Okay, thank you for watching this video.